ये तो आप सब जानते ही हैं कि 2 जून को सिनेमाघर में विकी कौशल और सारा अली खान की जोड़ी में बनी मूवी जरा हटके जरा बचके मूवी सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। आज इस मूवी को सिनेमाघर में रिलीज हुए 36 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये मूवी स्टिल अभी तक भी बहुत ही अच्छी बॉक्स कलेक्शन कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कम बजट में बनने वाली मूवी भी इतनी ज़्यादा बॉक्स कलेक्शन कर सकती है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स कलेक्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जरा हटके जरा बचके मूवी ने पहले 36 दिनों में इंडिया से और वर्ल्ड वाइड में कितनी बॉक्स कलेक्शन कर ली है और इस मूवी का बजट क्या था, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें जरा हटके जरा बचके मूवी की बॉक्स कलेक्शन की, तो जरा हटके जरा बचके मूवी ने अपने पहले दिन इंडिया से 5,50,00,000 की नेट कलेक्शन की थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले 27 दिनों की इंडिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की, तो जरा हटके जरा बच के मूवी ने पहले 27 दिनों में इंडिया से 81,80,00,000 की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 27 दिन में वर्ल्ड वाइड 107 करोड़ की बॉक्स ऑफ कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट था 40 करोड़। अगर बात करें जरा हटके जरा बच के मूवी के पहले 34 दिनों की इंडिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की, तो जरा हटके जरा बच के मूवी ने पहले 34 दिनों में इंडिया से 85 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह जरा हटके जरा बच के मूवी ने पहले 34 दिनों में वर्ल्ड वाइड 112,37,00,000 की बॉक्स ऑफ कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने अपने डे 35 के दिन 36 लाख और डे 36 के दिन इस मूवी ने 25 लाख की बॉक्स ऑफ कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 36 दिनों में इंडिया से 86,44,00,000 की बॉक्स ऑफ कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 36 दिनों में वर्ल्ड वाइड 113,25,00,000 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफ कलेक्शन कर ली थी और ये मूवी बॉक्स ऑफ कलेक्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। ये एक कपल की मूवी थी जिसमें दिखाया जाता है कपल है जो अपने अलहदा घर खरीदना चाहता है, उसे अलहदा घर खरीदने के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, ये सब इस मूवी में दिखाया जाता है। अगर ओवरऑल बात करें इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी एक फैमिली इंटरटेनिंग एंड लव स्टोरी मूवी है। आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।